नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक्शन मोड में राजस्व मंत्री वर्मा, 5 जून के बाद छत्तीसगढ़ में चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों के बाद अवैध कब्जाधारियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के निर्माण पर लोकसभा चुनाव यानी 5 जून के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अवैध कब्जों को लेकर लगातार राजस्व विभाग को शिकायतें मिल रही हैं, इस कारण से राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। झारखंड में छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, कांग्रेस और झामुमो ने आदिवासियों को हमेशा बंधुआ समझा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को राजमहल लोकसभा सीट के बरहेट में भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर नया कीर्तिमान रचेंगे। पीएम के रूप में तीसरे कार्यकाल में वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने राजमहल सीट से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि उनके संसद पहुँचने पर इस क्षेत्र की आवाज़ बुलंद होगी। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा सरकार करेगी ज्यादा भर्तियां, छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी वापस अपने काम में लग गए हैं। हाल ही में मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान कांग्रेस सरकार की तुलना में ज्यादा भर्ती होगी। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सभी विभाग अपने अपने तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस की 5 साल सरकार में छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय और धोखा हुआ वो खत्म होगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को गांव में ही रोजगार देगी सरकार। छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। वहीं बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार महतारी बंधन योजना के तहत अब महिलाओं को गांव में रोजगार देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इस प्लान में महिलाओं को गाँव में ही रोजगार देने की योजना है। महिलाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार गाँव में महतारी सदन बनाएगी। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 146 जनपद पंचायत में 10 महतारी सदन बनेंगे। खराब रिजल्ट वाले प्राचार्यों की अब खैर नहीं। छत्तीसगढ़ में शिक्षण प्रणाली को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के परिणामों को लेकर विभाग ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। विभाग के सचिव सिद्धार्थ परदेशी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू को पत्र लिखा है, जिसमें विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर पूछा गया है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के 10वीं और 12वीं वर्गों का रिजल्ट मांगा है। दाल की कीमतों में महंगाई का तड़का, 2 माह में 25 रुपए किलो महंगी हुई अरहर। आवक की तुलना में बाजार में उठी जबरदस्त मांग के चलते राहर दालों की कीमतों में जबरदस्त तेजी आ गई है। बीते 2 महीने में ही अरहर दाल की कीमत 25 रुपए किलो महंगी हो गई है। थोक बाजार में 185 रुपए किलो तथा चिल्हर में 195 रुपए किलो तक बिक रही है। कारोबारियों का कहना है कि फसल कमजोर होने के कारण इसकी आवक काफी कम हो गई है और बाजार में मांग बढ़ गई है, इसके चलते ही अरहर दाल की कीमतों में तेजी है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इस तारीख से शुरू होंगे आरटीई से एडमिशन। छत्तीसगढ़ निजी व सरकारी सभी स्कूलों में एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भी प्रवेश शुरू होने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आरटीई से निजी स्कूलों में एडमिशन 1 जून से शुरू होंगे। प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई की 52,000 से अधिक सीटें हैं। इन सीटों के आवंटन के लिए पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई, इसके आधार पर करीब 42,000 सीटें बांटी गई। इसके अनुसार 30 जून तक संबंधित स्कूलों में प्रवेश दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हर युवा का सपना एक पासपोर्ट हो अपना, 17 साल में विदेश जाने वाले बढ़े 1300 गुना। छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट बनाने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। लोग उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार और पर्यटन के लिए विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले 17 साल में 6.50 लाख से ज़्यादा लोगों ने नया पासपोर्ट बनवाया और उसके साथ ही नवीनीकरण करवाया है। 2007 में क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर खुलने के बाद लगातार लोगों में क्रेज बढ़ रहा है। पासपोर्ट विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2007 में सबसे कम 45 और 2023 में रिकॉर्ड 58,504 लोगों ने पासपोर्ट बनवाया है। राजकोट हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 गेमिंग जोन को निगम का नोटिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की टीम ने कई गेमिंग जोन एरिया में जांच करते हुए छापा मारा है। नगर निगम की टीम ने जांच के बाद 2 गेमिंग जोन को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल गुजरात के राजकोट में गेम जोन में अग्नि हादसे की घटना के बाद रायपुर नगर निगम हरकत में आया और गेम जोन मॉल जैसे इलाकों में सेफ्टी को लेकर निरीक्षण करने के बाद कमियां पाए जाने पर कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में शहर में स्थित 2 गेम जोन पूनो और
रिबाउंड में फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर रायपुर नगर निगम की टीम ने नोटिस जारी किया है। केंद्र की गोवर्धन योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बनेगा गो अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में गोवंशों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत गो अभ्यारण बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद विभाग कार्य योजना बनाने में जुट चुका है। गो अभ्यारण की कार्य योजना 5 विभाग मिलकर तैयार करेंगे। गो अभ्यारण में गोवंशों को सुरक्षित रखने, चारा पानी की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य की देखभाल की पूरी व्यवस्था की जाएगी। रायपुर में 7 जून से CCPL का आयोजन। IPL की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी छक्के चौके की बरसात होने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी क्रिकेट प्रीमियर लीग खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 7 जून को शुरू होने वाला है। प्रदेश के खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने इसकी घोषणा की है। कुल 6 टीमों के बीच 18 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की ब्रांड एम्बेसडर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की 350 पेयजल योजना सूखे की चपेट में, पानी के लिए मारामारी। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों शिमला और सोलन में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया है। भीषण गर्मी के बीच दोनों जिलों के हजारों उपभोक्ताओं को 5वें से 7वें दिन पानी मिल रहा है। हालात ये हैं कि जल शक्ति विभाग ने दोनों जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर टैंकरों से पानी देने की मंजूरी मांगी है। विभाग ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए पेयजल परियोजनाओं को लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर दी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CRPF को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा में बुधवार को चार नाबालिग समेत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली पड़ोसी नारायणपुर जिले के रेखावाया गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जून 2020 में शुरू किए लोन वर्राटू यानी अपने घर वापस लौटो अभियान के तहत अब तक कुल 815 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ दी है। गर्मी से रायपुर बेहाल, मुंगेली में 47.3 डिग्री तापमान। छत्तीसगढ़ में इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में लू जैसे हालात हैं। शाम को भी चल रही गर्म हवाएं लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पारा 47.3 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं नौतपा का 4था दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। हर पाकिस्तानी चाहता है कि मोदी हार जाए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, भारत में मुस्लिम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में ये जरूरी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए। हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो चुनाव हार जाए। बीजेपी और RSS का गठबंधन पाकिस्तान और मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहा है। भारत का मतदाता मूर्ख नहीं है। चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी, जो भी उन्हें हराएगा उन्हें मेरी शुभकामनाएं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।